हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना झा किचन। और आज मेरे किचन में तुरई की सब्जी और रोटी बन रही है लंच के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने एक चम्मच ऑयल, आधा चम्मच जीरा सीड्स और कुछ मिर्च के टुकड़े लिए हैं, और तुरई को क्लीन करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो मैं डाल दूंगी। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, एक प्याज काट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। और इसमें बस नमक, हल्दी और ब्लैक पेपर पाउडर, यही तीन स्पाइस में जाएंगे, नमक, हल्दी और ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है और इंस्टेंट बनता है, 5 मिनट में आप ये सब्जी रेडी कर सकते हैं। और इसको ढक के रख दीजिए, बिल्कुल तुरंत अपना पानी छोड़ देगा। अगर ये तुरई बहुत ताज़ा है तो इमीडिएट ये पानी छोड़ देगा और गल जाएगा। बस इसको थोड़ा सा आप इसका पानी को रिड्यूस कीजिए और सब्जी रेडी है। साथ में रोटी बना लीजिए। इस सब्जी को आप रात को क्लीन करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप फ्रिज में डाल दीजिए, और मॉर्निंग में बस आप इसे इंस्टेंट बनाइए। अगर आप जल्दी में हैं तो भी ये सब्जी बहुत आसानी से अपने लंच के लिए रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग अपने व्यू में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए तुरई की सब्जी कितना अच्छा, और साथ ही ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है।